इधर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां बीजेपी भले ही फिलहाल थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, मगर महागठबंधन के मजबूत होने की संभावना यहां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। वहीं बिहार में किसी का भी पलड़ा एक तरफ झुकता नजर नहीं आ रहा। अगर यूपी और बिहार में मुकाबला कांटे का है, तो बंगाल की बाजी भी बिल्कुल टक्कर की ही रहने वाली है। चुनाव से करीब एक साल पहले जिस तरह बीजेपी और टीएमसी चुनाव की तैयारियों में जुटी है, उससे साफ है कि बंगाल इस बार इन्हें या तो मालामाल करेगा या फिर कंगाल। जमींदारी चल रहा है, बीजेपी इज बिहेविंग जस्ट लाइक ए फ्यूडल लैंडलॉर्ड। वो आकांक्षी है, वो महत्वाकांक्षी हैं, वो विरोधाभासी हैं, वो ममता बनर्जी हैं। सियासत में ममता की जगह हो ना हो, मगर ममता बनर्जी की सियासत का जादू पूरे बंगाल के सिर पर चढ़कर बोलता है। सियासत में दीदी का दर्जा रखने वाली उस नेता को यह बखूबी अंदाजा है कि महागठबंधन के बनने और सियासी जमीन पर खड़ा होने की मजबूत संभावना के बीच पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें कितनी अहम साबित होंगी। पश्चिम बंगाल दिल्ली में सत्ता का खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यहां टीएमसी की सीटें जितनी ज्यादा होंगी, दिल्ली में दीदी का राजनीतिक कद और हैसियत उतना ही बड़ा होगा। चुनाव में अगर महागठबंधन उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होता है, तो उस हालात में दीदी किंग से लेकर किंग मेकर तक के बनने की सियासी संभावना भी अपने पास रखना चाहेंगी। शायद यही वजह है कि इस बार उन्होंने 42 में से 40 लोकसभा सीटें जीतने का बड़ा लक्ष्य कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। जहां तक भाजपा का सवाल है, उन्होंने यही कार्ड खेला है, उनके पास डेवलपमेंट का कोई कार्ड नहीं है। और अब मैं बता देना चाहता हूं कि बंगाल की जनता तो छोड़िए, दक्षिणी भारत की जनता छोड़िए, पूरे देश की जनता ये हिंदुत्व मॉडल वाली जो बीजेपी की रणनीति, राजनीति और कूटनीति है, इसके विरुद्ध वोट देगी। युवा इसके विरुद्ध वोट देंगे, युवती इसके विरुद्ध वोट देंगे, वो अब देश हित में वोट देंगे। आज बंगाल, साथ ही साथ पूरा देश, देश हित में वोट देगा। टीएमसी उसी राह पर लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है, जिस रणनीति पर चलकर उसने तमाम कयासों के बीच 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया। ममता शायद देश की मौजूदा इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं, जो हर विधानसभा चुनाव के बाद सियासी तौर पर और भी ज्यादा ताकतवर होती गई। 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 184 सीटें मिली, जबकि उनका वोट प्रतिशत 39 रहा। 2016 में उनकी सीटों की संख्या बढ़कर 2011 हो गई और वोट 6% तक बढ़ गए। वहीं 2021 में उनकी पार्टी को 215 सीटें मिली, जबकि उनका वोट प्रतिशत बढ़कर 48 तक पहुंच गया। आंकड़ों में तो सब ठीक ठाक ही दिखाई देता है, मगर ममता को भी यह अंदाजा होगा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की राह शायद उनके लिए इतनी आसान न हो जितनी यहां से दिखाई देती। इसकी बानगी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही दिख चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह ने अपने हार्ड हिंदुत्व के फॉर्मूले से बीजेपी को ताकतवर दीदी के सामने एक बार तो मुकाबले में बराबर लाकर खड़ा कर चुके थे। नतीजों में पार्टी को सीटें बेशक 75 ही आई हो, मगर पार्टी बंगाल की धरती पर हिंदुत्व का उबाल लाने में करीब करीब कामयाब तो हो ही गई थी। इस फॉर्मूले पर 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े तो उनके लिए और भी उत्साहवर्धक थे। तब टीएमसी 22 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब जरूर रही, मगर राज्य में बीजेपी का आंकड़ा बढ़कर 18 तक पहुंच गया। बाकी 2 सीटें कांग्रेस के पास गईं। बीजेपी बेशक इस बार इन आंकड़ों को और भी बेहतर करना चाहेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव आते ही जिस तरीके से सत्ताधारी दल हिंसा का रास्ता अपनाई है, ऐसे में आपका यह प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम में विभेद पैदा करके चुनाव लड़ना चाहती है, ये किसी भी तरह से ये समझ में ही आने लायक विषय नहीं है। जबकि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों से ग्राम पंचायत के माध्यम से जो पश्चिम बंगाल के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए,
जो केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए, उन सभी योजनाओं में भेदभाव हुआ है। अभी जबकि लोकसभा चुनावों में करीब करीब एक साल का वक्त बचा, यहां से ये कहना मुश्किल होगा कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल किसका पलड़ा भारी है, मगर इतना तो तय है कि यहां की धरती पर एक बार फिर एक दिलचस्प सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। न्यूज 24 के लिए कोलकाता से मनोज कुमार की रिपोर्ट।